मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अपनी पढ़ाई की बात रख सुर्खियों में आया सोनू आईएएस बनने का सपना पूरा करने अब राजस्थान के कोटा पहुंच गया। 12 जून को सोनू के चाचा ने उसका एडमिशन एलिन एकेडमी में कराया। संस्थान के डायरेक्टर ब्रजेश महेश्वरी ने सोनू का पूरा पढ़ाई का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि सोनू से एक पैसा भी वो नहीं लेंगे। सोनू के चाचा रंजीत कुमार ने बताया कि सोनू का दाखिला एलन एकेडमी में बीते 12 जून को 6वीं क्लास में हो गया। अब वह अपना सपना पूरा कर सकेगा। संस्थान के डायरेक्टर ने सोनू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की बात कही और उनसे किसी भी काम के लिए पैसे नहीं लेने की भी बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि सोनू हरनौत प्रखंड के निमाकौल गांव का रहने वाला है। वो अपनी पढ़ाई की गुहार लगाकर सुर्खियों में बन गया। आपको बता दें कि सोनू की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए नेता से अभिनेता तक आगे आए, जिसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप और सोनू सूद भी शामिल थे। सोनू से मिलने आए कई लोगों ने पढ़ाई का जिम्मा उठाया, लेकिन सोनू ने सभी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। बीते 12 जून को परिवार के साथ जाकर राजस्थान के कोटा के एलन एकेडमी में वो दाखिला ले लिया। सोनू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जो लोग उनके खिलाफ बोलते थे उनकी बोलती अब बंद हो चुकी है। अब वो लोग बोलेंगे कि सोनू का एडमिशन हो गया, उनके चाचा ने ही करवाया है। पहले बोलते थे कि उनके चाचा सोनू की बदौलत एमपी और एमएलए बनना चाहते हैं, उनके सहारे उनके चाचा आगे बढ़ना चाहते हैं। एडमिशन को लेकर उसने अपनी खुशी को जाहिर की और बताया कि अब वो कड़ी मेहनत कर अपना मुकाम हासिल करेगा। कहा कि कुछ मीडिया वाले उससे नीचा दिखाने का प्रयास किए, लेकिन वो उससे निराश नहीं हुआ। जो आरोप उनके चाचा पर लग रहे थे वो निराधार थे। अब वे पढ़ाई के पर फोकस करेगा और अपना सपना पूरा करके दिखाएगा। सोनू आईएएस बनना चाहता है और वो अपनी पढ़ाई की गुहार लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मीडिया में छा गया। तमाम मीडिया हाउस सोनू से इंटरव्यू लेने उसके गांव निमाकौल पहुंच रहे थे। सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी शिक्षा की गुहार लगाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। सीएम से सोनू ने कहा कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, सरकारी स्कूल की हालत ठीक नहीं है, सरकारी स्कूल में वो नहीं पढ़ना चाहता है। इसके साथ ही साथ सोनू ने अपने पिता की भी शिकायत की थी। सोनू ने कहा कि उनके पिता शराब पीते हैं और वो सारा पैसा खर्च कर देते हैं, मगर सोनू की किस्मत अब बदल गई है और वो अपने सपनों के लिए अब जीना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।